दोस्तों, अगर आप एक लैपटॉप और पीसी यूजर हैं तो आपको भी कभी ना कभी साउंड ड्राइवर का प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि आप जब भी आप नए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं फॉर्मेट करने के बाद, तो आपको साउंड ड्राइवर का प्रॉब्लम आता होगा। अगर आपका फेस नहीं हुआ इस तरीके का प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कभी ना कभी आपको इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पीसी में साउंड ड्राइवर डिलीट हो गया है, ड्राइवर डिलीट हो जाता है, या फिर किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिवाइस में, लैपटॉप में नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में साउंड ड्राइवर मिसिंग हो जाता है। तो किस तरीके से साउंड ड्राइवर अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आ जाना है गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है साउंड ड्राइवर फॉर पीसी। साउंड ड्राइवर फॉर पीसी जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फर्स्ट वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक पे नहीं क्लिक करना है, सेकंड पे भी नहीं करना है, यहाँ पे थर्ड पे करना है आपको क्लिक, support.lenovo.com पे। तो यहाँ पे आपको वो साउंड ड्राइवर जो है वो विंडोज 7 का 32 बिट, 64 बिट, सारे का यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो सिंपली आपको इस थर्ड वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नए वेबसाइट पर लेकर के यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं रिलेटेड हाई डिफिनीशन ऑडियो ड्राइवर फॉर विंडोज 7, 32 बिट, 64 बिट, विस्टा 32 बिट, 64 बिट, XP, थिंक पैड, ये सारे के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो बेसिकली विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 में इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है, विंडोज़ 7 अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी साउंड ड्राइवर का कभी ना कभी प्रॉब्लम आया होगा। तो अगर आपके भी पीसी में साउंड ड्राइवर मिसिंग हो गया है तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर साइट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिला है, और यहाँ पर साइज 78.61 MB का है। तो यहाँ से आप विंडोज 7 32 बिट, 64 बिट, और विंडोज विस्टा 32 बिट, विंडोज विस्टा 64 बिट, और विंडोज़ XP 32 बिट का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड में लग चुका है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो तब तक दोस्तों, जब तक ये डाउनलोड ना हो जाता है तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इसी से तरह का वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, इस चैनल पे मैं हमेशा प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर रिव्यू के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में कभी कभी मैं अपने चैनल पे बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को फिर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, तब तक हम वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पीसी में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए, हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम, ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए, हम इसको डबल टैप करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने रन का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको रन पे क्लिक करना है। तो रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा, तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ पे इस पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करने के लिए आएगा, इस सॉफ्टवेयर को आप कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में रहने दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है आपके पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं, फिनिश पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका जो साउंड ड्राइवर है आपके पीसी में फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल फिनिश होने के बाद ऑटोमेटिक से आपके डिस्प्ले पर कुछ इस तरीके से प्रिपेयरिंग सेटअप आएगा, और यहाँ पे फिर से एक विंडोज़ टैब खुलेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सिस्टम में फिर से इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटेड हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर इज कॉन्फिगरिंग योर न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पर फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यस, आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर, नो आई विल रीस्टार्ट कंप्यूटर लेटर। तो आप नो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर का भी रीस्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो सिंपली फिनिश पे क्लिक कीजिए। तो फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो यहाँ पे रेड कलर का आ रहा था साउंड के सामने, तो अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ से रेड जो
यहाँ पर था वो मार्क हट चुका है, तो इसका मतलब है मेरे कंप्यूटर में फाइनली जो साउंड ड्राइवर है इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप लोगों के लिए हेल्प मिला होगा। अगर आपके भी पीसी में साउंड ड्राइवर का प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से आप अपने पीसी में, चाहे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 हो विंडोज 8 हो, तो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर